माननीय प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरे देश में युद्ध स्तर पर काम हुआ और सभी सरकार के तंत्र एकजुट होकर काम में लगे रहे। अन्य मंत्रालयों के साथ कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कदम से कदम मिलाकर अग्रणी भूमिका निभाई। पिछले साल देश भर में 2,00,000 प्रशिक्षित व प्रमाणित हेल्थ केयर वर्कर्स की सूची केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को दी। इन फ्रंटलाइन वर्कर्स ने डॉक्टर्स और अन्य सहकर्मियों के साथ एकजुट होकर इस आपदा का पूरी बहादुरी और सामर्थ्य से सामना किया। हमारे डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ वर्कर्स के इतने बड़ी परिश्रम से ही इस दबाव को संभालना संभव हुआ है। देश में आगामी हर चुनौती का डटकर सामना करने के लिए एक ट्रेन वर्कफोर्स तैयार करने हेतु कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने NSDC तथा हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल के सहयोग से स्किल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत कोरोना से लड़ने के लिए 6 नए कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स विकसित किए हैं। इनका उद्देश्य 1,00,000 से अधिक स्वास्थ्य पेशेवरों की स्किलिंग और अपस्किलिंग कराना है। कोरोना फ्रंटलाइन कोर्स के अंतर्गत बेसिक मेडिकल केयर, इमरजेंसी केयर सपोर्ट, एडवांस केयर सपोर्ट, सैंपल कलेक्शन, होम केयर असिस्टेंस, मेडिकल इक्विपमेंट जैसे नए जॉब रोल्स में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन ट्रेनिंग में बेसिक इक्विपमेंट जैसे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, नेबुलाइजर, ECG और पल्स ऑक्सीमीटर के काम करने में सहायता, आपात स्थिति के लिए एम्बुलेंस तैयार करने में मदद और पीड़ितों के घर में मेडिकल सहायता करना सिखाया जाएगा। उम्मीदवारों को सरकारी प्रमाण पत्र, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, स्टाइपेंड, 2,00,000 रुपए का दुर्घटना बीमा, आवास की व्यवस्था शामिल है। साथ ही राज्य सरकारों को ये भी निर्देश दिया जा रहा है कि वे सभी उम्मीदवारों का टीकाकरण भी सुनिश्चित करें। शुरुआत में मंत्रालय द्वारा राज्य के सहयोग से 26 राज्यों में फैले 111 कौशल केंद्रों में कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ट्रेनिंग्स को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। जल्द ही इस ट्रेनिंग को देश भर में विस्तृत किया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय का लक्ष्य हेल्थ केयर सेक्टर में गुणवत्तापूर्ण सहायता प्रदान करना और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में योगदान देना है, ताकि हमारा देश सशक्त भारत और स्वस्थ भारत बन सके।